अब जैसे देखिए, कई स्टूडेंट्स का अपना ही तनाव और दबाव रहता है कि भाई फलाने रिश्तेदार ने बोल दिया, फलाने काका ने, ताऊ ने, मामा ने, मौसा ने, फूफा ने कि भैया तुमसे ना हो पाएगा या बहन जी तुमसे ना हो पाएगा। और ये भाई साहब या बहन जी सोच रहे हैं कि हमसे होगा कि नहीं होगा। अरे सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो आपने यहीं पे लगा दिया अपनी मेहनत पे कि सोच रहे हो कि होगा कि नहीं होगा। ये सोचना ही नहीं है, नहीं होगा ये सोचना ही नहीं है, यही तो दिक्कत है। होगा 101% होगा, ये अपने मन में सोचिए, लोगों को मत बताइए कि हम करके रहेंगे। वो बिल्कुल मजाक उड़ाएंगे आप लोगों का, क्योंकि भारत में बेरोजगार लोगों की कमी नहीं है। कुछ लोग धरती पे अवतरित ही होते हैं दूसरों को नीचे गिराने के लिए। और याद रखना, अगर कुछ गलत काम कर रहे होते ना, ये समाज आपको प्रोत्साहित करता कि खूब बढ़िया करो, ऐसे ही नाम रोशन। लेकिन ये आपकी टांग इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कल को आईएएस बन गया बन गई, हमारा क्या होगा रे सांबा। ये उस परिकल्पना में जीते हैं, ये बेचारे दिन रात सो नहीं पाते। इनके स्ट्रेस का लेवल समझिए आप लोग। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इन बिचारों की रातों की नींद गायब कर रखी है आप लोगों ने, इस बात को समझिए। तो उनकी कोई गलती नहीं है, बोलने दीजिए जो उनको बोलना है। उनके मुंह पे जवाब दे के आपको उनके जैसा नहीं बनना है। कहते हैं ना, मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे, इतनी चुपचाप तरीके से मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। बोलने दो यार, उनका काम है करने दो, आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है पढ़ाई करना, आपको बस वो करना है। मेरी बात समझे आप? तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिए, परिणाम एक दिन आएगा, सकारात्मक परिणाम आएगा, उस दिन जवाब अपने आप मिल जाएगा। उस दिन यही लोग आएंगे, अरे अरे हमको तो पता ही था तुम पैदा ही इसलिए हुए थे कि तुम कुछ बड़ा करोगे। जिस दिन तुमने जन्म लिया था हम तो उसी दिन समझ गए थे कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। इतनी जल्दी पलटी मारते हैं यहाँ पे लोग। इसलिए विश्वास रखिए, होगा 101% होगा।